नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज हम मंडी के अंदर चने की आवक के बारे में जानकारी करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन पता लगा कि मंडी के अंदर चने की बिल्कुल आवक बंद हो गई है, क्योंकि जहां करीब 2 से 3 महीने पहले चने की लगातार 4 से 5 हजार बोरियां जो कट्टे में जो चना आ रहा था, वो फिलहाल अब आवक के रूप में बंद हो चुका है। हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी है सत्य विजय जी, उनसे हम जानेंगे कि आज मंडी के अंदर चने के क्या भाव हैं और कितने कट्टे मात्र रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। नमस्ते नितिन जी, आज बताइए कि मंडी के अंदर कितनी आवक और क्या भाव है। आज मंडी में आवक तो कोई 10-20 कट्टे लगभग चने की आवक है, और भाव लूज 6,650 रुपए है, आल पेड़ 6,850 रुपए है। अच्छा, मंडी के अंदर आवक जो कम हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? मंडी में आवक कम होने का कारण है कि किसानों ने पहले माल बेच चुके हैं, और जो किसान जिनके पास माल रखा है वो सब तेजी में बैठे हुए हैं। किसानों ने कई साल से नुकसान किया था, व्यापारियों ने, तो उन्होंने स्टॉक में लगाया हुआ है, तो व्यापारी भी तेजी में, उन सबका मन 9,000-8,000 के लगभग। अभी ऐसा सुनने में भी आया कि पैदावार कम हुई और 6,800 रुपए भाव चने का पहुंच चुका, लेकिन भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चने की आवक बिल्कुल नहीं है, क्या मानते हैं? बिल्कुल भाव बढ़ते जाएंगे और भी बढ़ेंगे, कारण पिछले साल से 35-40% कम रिकवरी है, पैदा कम है, तो इस कारण से भी, और डिमांड बराबर है, अभी साव की डिमांड चल रही है, तो बाजार मंदा नहीं लगता है। तो अभी पिछले साल की अगर तुलना करें तो पिछले साल चने के क्या भाव थे और आज क्या स्थिति रह चुकी है? पिछले साल ऊपर में 5,500 के लगभग रहे थे, जो आज 6,800 रुपया करीब है। और अब की बार किस तरह की क्वालिटी का चना आप आया था? क्वालिटी बढ़िया रहा, चने में कोई कमी नहीं है, अच्छी क्वालिटी, लेकिन पैदावार कम है जी। तो सबसे बड़ी अगर अपन बात करें, मिलर जो है वो मिलर स्टॉक कर, उन्होंने भी कोई स्टॉक किया या व्यापारी ने भी कोई स्टॉक किया? सब मिलरों के पास अपना अपना पूरा स्टॉक है, और व्यापारियों के पास भी है कुछ स्टॉक, लेकिन पैदा कम है, गवर्नमेंट के पास कम स्टॉक है, इस बार गवर्नमेंट को माल कम मिला, इसलिए गवर्नमेंट के पास माल कम है। अभी लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अब नई सरकार बनने वाली है, तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से चने को लेकर? भाई सरकार से यही है कि भाई इम्पोर्ट करवाए चने का, जिससे भाव को समन्वय बना रहे, उपभोक्ताओं को ज्यादा महंगी चीजें नहीं मिले। बाकी तो अभी जो चना अपने पास में मंडी में आ रहा था, वो कौन कौन से क्षेत्र से आ रहा था? बांदीकुई, दौसा और पश्चिमी राजस्थान से भी आया चना, सवाई माधोपुर से भी आया चना, तो बाकी लोकल भी आता है, लोकल बहुत कम पैदा है इस बार। तो किसानों को भाव की बार चने में ठीक ठाक मिले? इस बार किसानों को पूरा भाव मिला है, बढ़िया भाव, गवर्नमेंट भाव से भी अच्छा भाव किसानों को मंडियों में मिला है। कोई MSP की अगर अपन बात करें तो? MSP 5400 थी, जो हमारे यहाँ बाजार में 6,650 बिक रहा है चना, तो MSP का तो सुनने का मतलब। हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी सत्य विजय जी मौजूद थे, उन्होंने हमको बताया कि चने की जो आवक है बिल्कुल मंडी के अंदर खत्म है, क्योंकि भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 6,800 रुपए का भाव है चने का, लेकिन अब आगामी दिनों में देखने की स्थिति यह है कि आगामी जो मंडी के अंदर चना की जो आवक है वो किस तरह से हो पाती है। नितिन शर्मा, अलवर।